यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अपने तल्ख बयानों के लिए मशहूर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से तीखा बयान देकर सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। अनिल विज ने हिसार के सांसद और इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला को नशा मुक्ति केंद्र में जाकर अपना इलाज करवाने की सलाह दी है। वहीं विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सियासी हमला बोलते हुए उन्हें फेल लीडर करार दिया है। अपने तड़कते भड़कते और तल्ख बयानों के लिए मशहूर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने इनेलो के युवा तुर्क और हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला पर ऐसा बड़ा बयान दे दिया जिससे सियासी हलकों में राजनीति का पारा कई दिनों तक हाई रहने के आसार हैं। अनिल विज ने दुष्यंत चौटाला को नशा मुक्ति केंद्र से अपना इलाज करवाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद के नाम पर 300 करोड़ रुपए का घोटाला होने के आरोप लगाए थे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े पेश करते हुए इसे 40 करोड़ रुपए की दवा खरीद बताकर विवाद को शांत करने का प्रयास किया था, लेकिन एक बार फिर दुष्यंत चौटाला ने इस पर सवाल उठाए तो मंत्री जी बिफर गए। यही सवाल पत्रकारों ने जब अम्बाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर तागा तो उन्होंने बिना देर किए दुष्यंत चौटाला पर सियासी हमला बोल दिया। अनिल विज ने कहा कि दुष्यंत चौटाला पहले कहते थे कि दवाओं की लोकल परचेज में 300 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसके जवाब में हमने बताया कि जो टोटल परचेज हुई है वो केवल 40 करोड़ रुपए की हुई है। अब वो कह रहे हैं कि एनएचएम में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एनएचएम का टोटल बजट 450 करोड़ रुपए का होता है, जिसका 80% हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च होता है। एनएचएम अपने स्तर पर कोई भी खरीद नहीं करता। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला पर हमला तेज करते हुए विज ने कहा कि मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर नशे का काफी प्रभाव है। मुझे लगता है कि इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया है। इन्हें किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। एनएचएम एज सच अपने स्तर पर कोई परचेज नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर नशे का काफ़ी प्रभाव है। मुझे लगता है कि इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। इनको किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए। अनिल विज यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भी अपने बयानों की फायरिंग में लपेट लिया। विज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा के चुनाव किसी क्रांति की तरह होने की बात करते हैं जिसमें जरा भी दम नहीं है। केजरीवाल की क्रांति तो खत्म हो चुकी है, जल्द ही वो दिल्ली से भी उखड़ जाएंगे। उनकी बातें हवाई और झूठी हैं। उनके अल्ले बल्ले तो कुछ रहा नहीं, वो तो दिल्ली से भी उखाड़ के फेंके जाने वाले हैं। तो अब कहां वो क्रांति लड़ेंगे ये तो वही बता सकते हैं। हरियाणा के दबंग मंत्री का तमगा लिए हुए अनिल विज के मुख्य विपक्षी दल के सांसद पर इस प्रकार से बयान देने के कई मायने सामने आते हैं। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि विज के इस बयान पर अब इनेलो की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि इनेलो नेता भी अनिल विज के इस बयान के बाद चुप न बैठकर कोई न कोई जवाबी हमला जरूर करेंगे। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से कुमार रमेश की रिपोर्ट।